पब्लिक टीवी आपकी आवाज। देश के फायर ब्रांड हिंदू नेता प्रवीण तोगड़िया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर पर जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता ने उन्हें दो तिहाई बहुमत देकर सत्ता सौंपी थी। योगी जी कम से कम अपने गुरु महंत अवितनाथ जी का मंदिर अगले 24 घंटे में बनवाना शुरू कर सपना पूरा करें तो मैं महंत जी स्वयं दंडवत करने लगूंगा, और नहीं बनवा सकते तो मोदी जी से कहें कि संसद में बिल लाकर राम का भव्य मंदिर बनवाना शुरू करें। दरअसल प्रवीण तोगड़िया आज मुरादाबाद में योगी जी के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें योगी ने कहा था कि उनके पास ऐसा फॉर्मूला है कि वो 24 घंटे में राम मंदिर का मसला सुलझा सकते हैं। प्रवीण तोगड़िया ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 4.5 साल में भाजपा सरकार की गलत नीतियों के चलते देश में 5 करोड़ से अधिक रोजगार की कमी आई है। वहीं प्रियंका गांधी पर पूछे गए सवाल पर बोले कि ये सभी पार्टियों का अधिकार है वो किसे क्या पद देती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा भाजपा के लोग उन्हें लेकर जो टिप्पणी कर रहे हैं उससे राजनीति का स्तर गिर रहा है। पिछले दिनों बाबा रामदेव द्वारा दलितों पर दिए गए बयान कहा कि देश में सभी को समान अधिकार है। योगी जी को यूपी की जनता ने लगभग 2/3 बहुमत दिया, 2 साल से दिया। मैं पूछना चाहूँ तो कि 2 साल में कितने 24 घंटे हो गए हैं? कम से कम योगी जी अपने गुरु महंत अवितनाथ जी का मंदिर बनाने का सपना पूरा करें, और 24 घंटे में बना सकते तो अगले 24 घंटे में बना दी जाए तो मैं महंत जी को साष्टांग करने निकलूंगा, और नहीं बना सकते हैं तो मोदी जी से संसद में स्पेशल सत्र बनाकर कानून बनाएंगे तो मैं मानूंगा कि योगी जी भी राम मंदिर पर खड़े हैं, वरना कहते हैं कि बयानबाजी चल रही है। भाई तो सभी सीटों पर लड़ेंगे ही। गठबंधन का ऑफर आता है आपके पास, उस समय तय करेंगे, और हमारे एजेंडा तय है, हमारे एजेंडा पर कोई चलेगा तो सोचेंगे। अच्छा, राम मंदिर का टाल हो रहा है, क्या आप उसमें सबसे बड़ी बात शामिल राम मंदिर की होगी आपकी पार्टी में? हम सत्ता में आएंगे तो 1 सप्ताह में राम मंदिर बनाना शुरू करवा देंगे। मोदी जी की बाकी 5 वर्ष तक लटका कर उसको वोट मांगने का मशीन नहीं बनाएंगे। अगर बात की जाए कि नाम क्या होगा पार्टी का, वह 9 फरवरी को देश को बताया जाएगा, एकदम घोषणा की जाएगी इसकी। यस, क्या हालात रहेंगे वह तो उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी, और अभी और भी 100 दिन का समय है, जनता ही उसका निर्णय करेगी। प्रियंका गांधी एक नया चेहरा आ गई हैं, किसी राजनीतिक दल को किसको महामंत्री बनाना उनके बारे में दूसरे दल या व्यक्तियों को कमेंट नहीं करनी चाहिए। भाजपा का महामंत्री कौन बनेगा, कभी सपा बसपा कांग्रेस ने कमेंट की है क्या? तो कांग्रेस का महामंत्री कौन बनेगा, उनमें अनावश्यक अभद्र टिप्पणी देकर अपना राजनीतिक स्तर प्रकट कर रहे सब लोग। बाबा रामदेव जो भाजपा के प्रचारक हैं, उन्होंने एक ब्राह्मणों के खिलाफ एक बयान दिया है कि जब तक ब्राह्मण का मस्तक शूद्रों में झुकता रहेगा, शूद्रों के चरणों में, तब तक देश प्रगति करता रहेगा। मुझे व्यक्ति पर कोई कमेंट नहीं करनी है, मैं कहूँगा ये देश में सबको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मिलना चाहिए, लघु उद्योग की रक्षा होनी चाहिए, और देश में गरीबी दूर होनी चाहिए। आप पार्टी की बात कर रहे हैं, क्या सारे चुनाव सब सीटों पर आप चुनाव लड़ेंगे?